गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं एक बार फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप इस कहानी को सुनने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही दोस्तों एक बात जो बहुत जरूरी है, दोस्तों देखो अगर आप चाहते हो कि इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आए जब आपके कानों तक पहुंचे, तो दो बातों का ध्यान रखना, या फ़ोन या हेडफोन का उपयोग करना, इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहो तो आप अपनी आँखों को बंद कर सकते हो, इससे इस कहानी को और भी रियलिस्टिक लगेगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। दोस्तों आज की ये कहानी किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो मैं आप सबसे कहने वाला हूँ। और दोस्तों ये कहानी है अमेरिकन दोस्त की दोस्ती, और ये कहानी राज की है। तो चलिए आगे की कहानी मैं राज की ही बातों से आपको सुनाती हूँ ताकि आपको और भी अच्छा लगे। राज कहता है, मेरी उम्र 28 साल है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। मैं पिछले 2 साल से न्यूयॉर्क में रहता हूँ, जहाँ पर मैं एक अच्छी खासी जॉब करता हूँ। मेरी फैमिली अहमदाबाद में रहती है और मैं जॉब के खातिर न्यूयॉर्क में 1-2 कमरे का फ्लैट में रेंट पर रहता हूँ। मैं जहाँ काम करता हूँ उधर मेरे कई सारे दोस्त हैं। उनमें से सबसे खास दोस्त का नाम जैक है, उसकी उम्र 30 साल है। जैक की वाइफ का नाम जेनिफर है और जेनिफर की उम्र भी 30 साल ही है। हम दोनों की अच्छी दोस्ती है। मैं अक्सर उसके घर डिनर पर जाता हूँ। जैक की बीवी जेनिफर देखने में बहुत ही खूबसूरत है। उसकी नशीली आँखें और उसके सुनहरे बाल किसी को भी मोहित कर देने वाले हैं। वो एक मॉडर्न ख्याल वाली है। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब जैक ने मुझे डिनर पर अपने घर को बुलाया। मेरा और जैक का घर करीब 1/2 घंटे की दूरी पर है। मैं शाम को 7 बजे जैक का घर पहुंचा। उस समय मैंने टी शर्ट और जीन्स की पैंट पहनी थी। ज़्यादातर मैं टी शर्ट ही पहनता था। मैं दिखने में एकदम सुंदर, हैंडसम और फिट बॉडी वाला बनता हूँ। मैं यहाँ पर 2 साल से हूँ, लेकिन अब तक मैंने अभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, क्योंकि मैं देशी इंडियन लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मैं इंडिया में बहुत कम गया, इसलिए कभी वहाँ मौका ही नहीं मिला ताकि किसी लड़की को प्रपोज कर सकूँ। लेकिन हाँ, इधर मुझे अब तक 3 लड़कियों ने प्रपोज़ किया, पर मैंने अब उन सबको मना कर दिया। फिर भी उनसे आज भी अच्छी दोस्ती है एक से। मैं जैक के घर पहुंचा तो उसके दरवाजे पर नॉक किया। 1 मिनट बाद जैक ने डोर ओपन किया। हम दोनों एक दूसरे से देखकर गले मिले, फिर मैं अंदर आ गया। तभी जेनिफर किचन से बाहर आई। हम दोनों के गले मिलकर अमेरिकन रिवाज का पालन किया। उस समय जेनिफर ने एक येलो टी शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स पहनी थी, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। जेनिफर, तुम दोनों बात करो, तब तक खाना बन जाएगा। फिर जेनिफर किचन में चली गई, मैं सोफे में बैठ गया। तभी जैक ने कोल्ड ड्रिंक लेकर आया और हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पीते पीते बात करने लगे। जैक, कैसा रहा लंदन का ट्रिप? मैं, गुड, पर अकेले बोर हो गया हूँ। जैक, अब तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना लेनी चाहिए। मैं, तुमको मेरी बहुत फिक्र हो रही है। जैक, हाँ बहुत ज़्यादा। मैं, तुम तो जानते हो इस जॉब के चक्कर में इंडिया जाने का बारे में बहुत बार मौका मिलता है, उधर भी किसी से मेरी शादी हो जाए तो ठीक रहेगा। जैक, मेरी मान लो, यहाँ पर कोई अच्छी सी लड़की पसंद कर लो। मैं, नहीं। जैक, क्यों? मैं, तुम तो जानते हो मैं किसी इंडियन लड़की से शादी करना चाहता हूँ। जैक, शादी इंडियन लड़की से कर लेना, मगर उससे पहले प्यार यहाँ की लड़की से कर लो। मैं, मुझे जेनिफर को बताना पड़ेगा तुम मुझे कैसे एडवाइस दे रहे हो। जैक, ओके रहने दो, वरना खामा खा अभी वो लेक्चर देने लगेगी। मैं, तुम्हारा ध्यान कोई इंडियन लड़की हो तो बताओ। जैक, अब तक मैं इंडियन में गया नहीं हूँ और मेरे ध्यान में ऐसी कोई है भी नहीं। मैं, एक काम क्यों नहीं करते? जैक, क्या? मैं, 2 हफ्तों के लिए मैं इंडिया जा रहा हूँ, तुम दोनों भी मेरे साथ चल लो, इसी बहाने तुम दोनों इंडिया भी घूम लोगे। जैक, वैसे तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है। मैं, तो डन, तुम दोनों मेरे साथ इंडिया आ रहे हो ना? जैक, जेनिफर से पूछना पड़ेगा। मैं, वो जरूर हाँ बोलेगी। तभी जेनिफर ने खाना बनाकर इंडिया टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर रख दिया। हम दोनों की आवाज़ आने की आवाज़ दे दी। हम लोग खड़े होकर डाइनिंग टेबल की तरफ
आ गए और सीट पर बैठ गए। जेनिफर खाना सर्व कर रही थी। मैं, जेनिफर क्या कह रही हो? जेनिफर क्या, मैं 2 हफ्ते के लिए इंडिया जा रहा हूँ तो तुम मेरे साथ, तुम दोनों को चल जाना पड़ेगा। जेनिफर मेरा भी इंडिया घूमने का बहुत मन है लेकिन देखना पड़ेगा। जैक चलो ना बेब, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता। मैं बहुत मज़ा आएगा। जेनिफर तुम्हें हमें इंडिया घुमाना पड़ेगा। मैं डन। जेनिफर तुम कितने दिन के लिए जा रहे हो? जैक राज तुम बताओ। मैं कम से कम 2 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ेगी। जेनिफर ये बहुत ज़्यादा है। मैं इंडिया घूमना है तो इतना समय तो लगेगा ही। जैक डन, हम 2 हफ्तों के लिए जाएंगे। मैं ओके। जैक जेनिफर अब क्या सोच रही हो? जेनिफर ठीक है, जब तुम दोनों का मन बना लिया है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। फिर हम तीनों बात करते करते खाना खाए और खाना खाने के बाद मैं और जैक घर के पीछे बैकयार्ड में जाकर सोफे पे बैठ गए। तभी जेनिफर विस्की की बोतल के साथ ग्लास लेकर आई और जैक के पास बैठ गई। जैक ने हम तीनों के लिए पैग बनाया और हम तीनों हाथ में ग्लास लेकर चीयर्स करके पैग मारने लगे। मैंने सिगरेट सुलगा कर कश लेने लगी। जेनिफर ने मेरे हाथ से सिगरेट ली और एक लंबा सा कस लिया, लेकर मुझे सिगरेट वापस दे दी। ये देखकर मैं ज़रा हैरान हो गया क्योंकि आज तक जेनिफर ने हमेशा अलग सिगरेट ही सुलगाई थी। मैं चुप रह गया और ग्लास उठाकर विस्की का मज़ा लेने लगा। उसके बाद हम तीनों के बीच बातचीत होने लगी। क्योंकि ये बातें अमेरिकन इंग्लिश में हो रही थी इसीलिए मैं इसे हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूँ। जेनिफर तो हमारी होने वाली भाभी कैसी है? मैं अभी तो पता नहीं, जब मिलेंगी तब पूछ लूँगा। जेनिफर जैक राज तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? मैं मतलब जैक मेरा मतलब तुम्हें लड़की में क्या खासियत होनी चाहिए? जैक दिखने में सुंदर, मॉडर्न और मुझसे प्यार करने वाली, मेरी बातों को समझने वाली। जैक मतलब जेनिफर से भी अच्छी। जेनिफर सट अप। जैक जेनिफर जैसी हमारे नसीब में क्या? वो तो तुम लकी हो जो जेनिफर जैसी लड़की मिल गई। जेनिफर ओहो राज तुम इतने भी तारीफ अच्छी नहीं है। राज जैक राज तुम एक काम करो, तुम जेनिफर से शादी कर लो, मैं दूसरी लड़की पसंद कर लूँगा। जेनिफर ओके, मैं लॉयर को बुलाकर डिवोर्स पेपर बनवा लेती हूँ। जैक मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम्हारे साथ तो मैं 7 जन्म बिता दूँ। जेनिफर मैं भी मजाक ही कर रही थी। जैक आई लव यू बेब। जेनिफर आई लव यू टू। मैं तुम दोनों बाद में रोमांस कर लेना। ऐसे में हम तीनों मस्ती मजाक में दूसरा पैग मारने लगे। जेनिफर राज तुम जानते हो इसमें से मेरी दूसरी लड़की ने प्रपोज किया था। जैक वो तुम्हारी चाल थी। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। जेनिफर जैक बताओ। जैक वो क्या है ना, जिस दिन मैं इसको प्रपोज करने वाला था ये जेनिफर को पता था। जब मैं उसको प्रपोज करने के लिए घुटने के पैर बैठा, अपनी आंखें बंद करके रोमांटिक शायरी बोल रहा था, तभी मुझे उसके एक फ्रेंड की आवाज़ आई क्योंकि इन दोनों ने अब तक अपनी जगह बदल ली थी और ये एक आइडिया मुझे इसकी फ्रेंड ने पहले ही दे दी थी। जेनिफर अब इसने मुझे प्रपोज करने में 6 महीने लगा दिए तो थोड़ा बहुत मजाक तो चलता है। मैं उस समय जैक की शक्ल देखने लायक होगी। जेनिफर सच में वो पल मुझे आज भी याद है। हम तीनों ड्रिंक्स करते करते बात कर रहे थे तभी जेनिफर खड़ी होकर अंदर जाने लगी। वो जाते जाते जैक की तरफ देखते हुए गई। जेनिफर अपने कमरे पे अंदर चली गई। चूँकि हम तीनों अच्छे दोस्त थे इसलिए हम खुलकर बातें भी कर लेते थे। उसके जाने के बाद जैक मुझे बोला, तुम्हें ये जेनिफर कैसी लगती है? मैं कहा, अच्छी लगती है। उसका सिर्फ अच्छी लगती है या फिर? मैंने कहा, यार वो तुम्हारी वाइफ है। उसने कहा, देखो राज तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और जेनिफर भी अच्छी दोस्त है इसलिए बिना बात घुमाए सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मैं क्या बात है? मैं और जेनिफर हम दोनों चाहते हैं कि तुम हमारे साथ कुछ पल बिताओ। मैं तुम क्या बोल रहे हो? जैक देखो राज मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए अलग है लेकिन जेनिफर तुम्हारी इसमें मदद कर सकती है। मैं यू आर जोकिंग राइट? जैक नो तुम में चढ़ गई है। जैक मैं जानता हूँ ये अजीब है लेकिन इस समय जेनिफर भी यही चाहती है। दोस्तों उस समय मैं अजीब सा हो गया, मुझे समझ में नहीं आया कि लड़कियाँ इतनी मॉडर्न होती है। फिर क्या होता है ये आपको इस कहानी के सेकंड पार्ट में बताऊंगी क्योंकि ये कहानी बहुत लंबी हो गई है और आप भी बोर हो जाओगे ज़्यादा बड़ा कहानी बनाऊंगी तो लेती हूँ इस वीडियो से अलविदा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना जनाब। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना।
मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर, बाय।